नगर मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख व उल्लास नगर जिला अध्यक्ष सचिन कदम ने के मार्गदर्शन में कई कार्यकर्ताओं के साथ मनपा के आयुक्त कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमीन पर बैठकर आंदोलन किया और मनपा प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करके अपना निषेध व्यक्त किया है। बता दें कि शहर के कुछ जनता के मुद्दों को लेकर मनसे पदाधिकारी आयुक्त गणेश पाटिल से मिलकर उनको निवेदन देना चाहते, परंतु पिछले कुछ दिनों से मनपा आयुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इसी से नाराज मनपे पदाधिकारियों के द्वारा मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने अपना गुस्सा दिखाते हुए पार्टी की घोषणाबाजी करते हुए जमीन पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ देर चले आंदोलन के बाद मनपा आयुक्त ने सबको मिलने के लिए बुलाया। तब सभी मनपे के पदाधिकारियों ने आयुक्त के कार्यालय में भी जमीन पर बैठकर अपना गुस्सा जाहिर किया और आयुक्त को अपनी चार अलग अलग मांगों का ज्ञापन दिया। इस मांगों का पहला मुद्दा डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अभ्यासिकी को जल्द से जल्द विद्यार्थियों के लिए खोलने व उसमें सुविधा उपलब्ध कराने की है। वहां पर वार्ड ऑफिस न खोलने की मांग किया। प्रशासन ने फिर भी अगर वार्ड ऑफिस खोला तो मनसे उसे तोड़ देगी और मनसे के अध्यक्ष ने आयुक्त से कहा कि दूसरा मुद्दा प्रदीप रामचंदानी का नगर सेवक पद रद्द करने की मांग है। तीसरा मुद्दा बडोल गांव पुल का कार्य पूर्ण करके स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान करने की मांग किया है और चौथा मुद्दा मनपा पीआरओ पर मनपा प्रशासन कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है। इसके अलावा मनपा के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 8वीं की कक्षा शुरू करने की मांग की गई। मनपा आयुक्त गणेश पाटिल ने सभी मुद्दों पर जल्द कार्रवाई कर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद सभी ने अपना आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन में मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख, जिला शहर अध्यक्ष सचिन कदम, उप शहर अध्यक्ष शैलेश पांडव, मैनुद्दीन शेख, मुकेश प्रवीण, कालू थुरात, अनिल दादा, सुभाष हटकर समेत मनसे कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। कल उल्लासनगर शहर शाखा की तरफ से हम लोग ने उल्लासनगर के महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय पाटिल साहब से हम कल मिले। दो दिन से हम लोग उनसे वक्त मांग रहे थे, लेकिन उनका वक्त इतना बिजी था कि वो मिल नहीं पा रहे थे। शहर के कुछ मुद्दे पे हमको उनसे चर्चा करनी थी, जैसे शहर में पानी टंचाई है, पानी का शॉर्टेज है, क्या कचरे का समस्या है, और जो दो नगर से एक नगर से चोर नगर से और एक अधिकारी जिन्हों पे आज तक कुछ भी कार्रवाई महानगर पालिका की तरफ से की नहीं गई, और एक दूसरी मतलब मेन मुद्दे की बात जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जो अभ्यासिका ओपन की है महानगर पालिका ने, वो तुरंत ओपनिंग किया और तुरंत बंद किया। ये सब विषय पे हम आयुक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन आयुक्त ने हमें टालने की मतलब सत्ताधारी के प्रेशर में टालने की कोशिश की, लेकिन इसलिए हम लोग ने कल मनसे की तरफ से एक आंदोलन किया, जो आंदोलन से हमारा उग्र आंदोलन था। आयुक्त से मिले, ठिया आंदोलन किया, आयुक्त को हम लोग ने बताया कि आज हम सिर्फ आपको निवेदन दे रहे या बता रहे, अगर ये कार्रवाई आपने इस पे नहीं की या इस पे हमको जो आश्वासन दे रहे कि हम जल्दी से जल्दी इस पे रिजल्ट देंगे, अगर ये आपने नहीं किया तो मन से इससे ज्यादा और उग्र रूप से आंदोलन छेड़ेगी। हमने कमिश्नर साहब को यही बोला कि समझो आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम मन से अपने स्टाइल से एक उग्र आंदोलन करेगी शहर के हित में। आज तक उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र में हम लोग ने अनेक आंदोलन किए, अनेक हमारे सहकार्य के ऊपर कॉर्पोरेशन की तरफ से गुन्हे दाखिल है। उल्लासनगर की जनता के लिए और एक दो गुन्हे दाखिल हो जाएंगे तो भी हमें परवाह नहीं है, लेकिन उल्लासनगर की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे और मन से वो प्रयास में एक बड़ा आंदोलन उल्लासनगर महानगर पालिका के खिलाफ करेगी।